तो गाइज़ हम लोग ट्रेन में बैठ गए हैं मैं अनु और अमन एंड uh, ये लोअर अपर हमारी सीट है एक उधर है तो so, बस अब हम लोग ट्रेन में बैठ गए हैं अब हम लोग बड़ा ट्रेनगढ़ निकलने का टाइम भी हो गया है थोड़े देर में ट्रेन निकलेगी और कल सुबह हम लोग होंगे आजमगढ़ में आई नो गाइज आई हैव बीन सो लेट इन अपलोडिंग वीडियो ये वीडियो ऑलमोस्ट वन मंथ ओल्ड है बट ड्यू टू हाउ रीज़न मैं नहीं कर पाई क्योंकि एक तो विराज भी बहुत क्रैंकी हो रखा था पूरे ट्रैवल के टाइमिंग और फिर मेरी तबीयत खराब हो गई मेरी आवाज़ अभी भी बहुत भारी है बट मैंने कहा नहीं मुझे वॉइस ओवर करके अपलोड करना है तो ये हम ट्रेन में बैठे हैं एंड हम समोसे से कर रहे थे नेक्स्ट मॉर्निंग की है ये हम आजमगढ़ पहुँचने वाले थे एंड इवन विराज वॉज इन्जॉयिंग टू और uh, हमारी ट्रेन ऑलमोस्ट ग्यारह बजे वहाँ पहुँच गई थी मतलब आजमगढ़ तो बस ये सारा व्यू जो है अमन ने लिया था और यही मैं बता रही थी कि वीडियो और सारी वीडियो जो अब अपलोड होंगी सब एक मंथ पुरानी है क्योंकि भैया की शादी को एक एक महीने हो चुके हैं पर वही मेरी तबीयत भी बहुत ख़राब थी मेरा गला एकदम चोक हो रखा था इसलिए मैं वॉइस ओवर कर ही नहीं पा रही थी एंड बिना वॉइस ओवर के वीडियो मज़ा नहीं आता क्योंकि मैंने बहुत छोटी छोटी क्लिपिंग्स ली है शॉर्ट क्लिप्स लिए हैं तो उसमें पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है Uh, क्योंकि मैं प्रॉपर वीडियो बना ही नहीं पाई uh, और बाकी और किसी को इतना आइडिया नहीं था कि कैसे वीडियो बनानी है नहीं है सब लोग नॉर्मल यू नो वर्टिकली बना लेते हैं हॉरिजेंटली लैंडस्केप मोड में नहीं बनाते हैं तो सारा आइडिया मेरा ही था कि मतलब कैसे बनाना होगा या कैसे करना होगा बट uh, एक टॉडलर के साथ सब सा मैनेज करना भाई मेरे लिए तो बहुत डिफ़िकल्ट हो गया था और कोई ऐसा होता जो विराज को बहुत अच्छे से हैंडल कर पाता लाइक मी एंड शिव ओनली कैन हैंडल एम वेरी वेल तो बस यही रीज़न था एंड ये देखिए हम आज़मगढ़ पहुंच गए स्टेशन पे पहुंच गए उसके बाद पापा ने भेजी थी गाड़ी एंड हम फटाफट से घर चले गए निकल गए थे एंड घर पहुंचने के बाद भी इतने सारे काम थे हम लोगों को शॉपिंग जाना एंड सारी चीज़ें करना वो आगे मैं वीडियो में बता दूँगी और उस लिए मैंने उसके बाद तो कोई ब्लॉगिंग की ही नहीं मतलब ये सीधे फिर मैंने शाम को ही व्लॉगिंग की थी और उसके बाद हम गए शॉपिंग की बालों में मेहंदी लगाई थी और टेलर वेलर के पास छोटे मोटे काम थे मम्मी का छोटा मोटा सामान लाना था सबका कुछ ना कुछ लाना था एंड कुछ ना कुछ, कुछ चीज़ें रह गई थी एंड घर पहुंचते ही मम्मी ने बहुत टेस्टी चावल और निमोना बनाया था हे गाइस वेलकम बैक टू माई चैनल दिस इज़ मी वेल तो यह नया व्लॉग तो मैं आ चुकी हूँ आजमगढ़ यानी कि अपने मायके एंड बस अभी हम और अनू मिलकर सारी पैकिंग कर रहे थे शादी में जो भी पहनना है जो सारी चीज़ें सॉर्ट कर रहे थे हम पैक तो करके आए थे लेकिन सब बस ऐसा ही पैक करके आए थे तो यहाँ पर हम लोग को रीपैक करना पड़ रहा है सारी चीज़ें तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या पूरा फलारा मचा है आने के बाद बिल्कुल टाइम नहीं मिला व्लॉग करने का क्योंकि हम लोग आए हम लोगों ने बालों में मेहंदी लगाई और बहुत सारा काम था छोटा मोटा शॉपिंग करना था टेलर के पास जाना था एंड यही सारे काम थे तो हम लोगों ने ये सारे काम कर लिए और बस अब पैकिंग कर रहे हैं एंड आज रात को मौसी भैया एंड भाभी और ईशान आ रहे हैं तो अभी मैंने अपने भाई को जो है कुछ डेकोरेशन का सामान भेजा है तो डेफ़िनेटली बेबी आ रहा तो उसका वेलकम करने के लिए तो होना चाहिए ना तो हम लोग थोड़ा बहुत डेकोर करेंगे केक कट करेंगे तो बस वो उसका सामान लेके आएगा फिर हम लोग खाना वाना खाने के बाद डेकोर करेंगे क्योंकि वो लोग रात को ग्यारह या ऐसे कुछ आएंगे ग्यारह बारह या एक बज भी सकता है तो हम लोग रात को ही लेकिन सेलिब्रेशन करेंगे तो उसी टाइम हम लोग केक वगैरह भी कट करेंगे तो बस यही सब है अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि पूरे कमरे का हाल क्या हो रखा है ये देखिए ये अन्नू की पैकिंग इधर हो रही है ये मम्मी की पैकिंग हो चुकी है ये मेरा तो पूरा फलारा मचा है विराज और अन्नू बैठ के मस्ती कर रहे हैं साथ में ये पूरा अभी ये सब मुझे पैक करना है और ये सब हम लोग शॉर्ट कर रहे थे सारी साथ में चूड़ियाँ कौन सी पहननी ज्वेलरी कौन सी पहन रही हैं मेकअप और ये सब ये सब मैंने फेशियल किट वगैरह लिया है मामी लोग के लिए मैं लोग का फेशियल वगैरह कर दूँगी बस ये सब कुछ फलारा मचा हुआ है आप देख सकते हैं पूरा इवन तो ये ये शादी वाला घर नहीं है शादी वाला घर कोई दूसरा है बट फिर भी ये शादी वाला ज़्यादा घर लग रहा है फिर डिनर में बनाई थी मम्मी ने तैरी और ढेर सारा सैलड था एंड विराज के लिए थी खिचड़ी सिंपल सी और मम्मी ने बहुत बहुत ही अमीर दही वड़े बनाए थे और हमने बहुत छोट थोड़ा सा डेकोरेशन किया था क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं था रात को हम लोग ये इन्जॉय कर रहे थे फिर भैया भाभी रात को एक बजे आए एंड हम लोग वहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं कि मतलब सोते हुए बच्चे की आरती उतारनी चाहिए या नहीं बट मौसी ने कहा कि कर लो फिर क्योंकि ईशान सो रहा था एंड फिर मैंने की आरती और बस सबके चेहरे से लग रहा है कि सब लोग बहुत ज़्यादा थक चुके हैं ये ऑलमोस्ट एक ही बज रहे थे एक या डेढ़ बज रहे होंगे रात के उसके बाद हमने यहाँ की आरती निशान सो रहा था इसलिए हम उसका केक भी नहीं कट कर पाए तो गाइज़ हम लोग अभी केक नहीं कट कर पाए क्योंकि ईशान सो रहा था और वो हम लोग सुबह में कट करेंगे एंड अभी सब लोग आ गए रेस्ट कर रहे हैं एंड हम लोग को भी बहुत देर हो गया रात के दो बज रहे हैं एग्जैक्ट दो बज रहे हैं बहुत टाइम हो गया है एंड विराज भी लिटरली अभी तक नहीं सोए एकदम परेशान करके रख दिया इसने मुझे आज तो अब हम सब लोग सोते हैं कल सुबह आपसे मिलते हैं कल से फन बिगिन होगा क्योंकि कल हम लोग जा रहे हैं नानी के घर पर एंड कल तिलक है भैया का मतलब मेरे मामा के लड़के जो हैं जिनकी शादी है उनका तिलक है और कल हम सब लोग जाएंगे और बहुत सारी मस्तियाँ करेंगे सी यू टमोरो गुड नाइट दिया है ये भैया भाभी ने ये है बर्बेरी का परफ्यूम ये मैंने चॉकलेट अरे सॉरी कैंडीज़ मंगाई थी अपने उस पर कहने मतलब मुझे बहुत पसंद है ये एंड दूसरा ये शिव के लिए गिफ्ट है और वेट ये इसमें कुछ विराज के लिए टॉयज है देखते हैं। और... फरेरो फिर ये थी क्लिपिंग नेक्स्ट मॉर्निंग की नेक्स्ट मॉर्निंग भैया और मौसी वगैरह को बैंक में काम था वो लोग निपटाने के बाद फिर हम नानी के घर के लिए निकल गए थे तो ये भैया और ईशान खेल रहे थे तब मैंने क्लिप ली थी एंड रास्ते में हमने खाए बहुत ही यम्मी यम्मी समोसे एंड बस आ, हम थे इस कार इस कार में हम लोग सिर्फ थे एंड बाकी लोग दूसरे कार में थे भाभी मैं अनू और बस हम लोग ये ऑलमोस्ट नानी के घर पहुंचने वाले थे एंड ये रहा मेरी नानी का गांव और सब लोग मेरे कजिन वगैरह थे और यहाँ पे मेरे नाना नानी और मामा की फ़ोटो लगी हुई है और उसके बाद आई नो गांव का घर ऐसा ही होता है भाई ये फिर भी बहुत अच्छा है तो हमें तो यहाँ बहुत मज़ा आता है ये है मेरे छोटे वाले मामा और यहाँ पे सब लोग बस अभी आए थे तो सब लोग बातें कर रहे थे ये लोग मम्मी की बुआ लोग हैं तो मम्मी मौसी हैं ये मेरी और अभी मेरी आएगी कज़िन मेरे मामा की लड़की है सबसे छोटी वाली उसके बाद सीधा मैंने क्लिपिंग ली शाम की शाम को ये भैया के यहाँ डेकोर रखा था आ, मतलब आ, ये वाले भैया और हम लोग का घर बस ऐसे सट तब दूर नहीं है बस दो मिनट का रास्ता है तो ये पूरा डेकोर हो रखा था गांव के हिसाब से तो बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया था भैया ने एंड बहुत अच्छी डेकोर लगी पर विराज ने जो हमें भगाया भाई को पिक्चर में नहीं और ये थी घर पूरा डेकोरेटेड एंड मैं भैया को थोड़ा सा रेडी कर रही थी थोड़ा सा टचअप दे रही थी उन्हें एंड मैंने बहुत सिंपल लुक कैरी किया था सिंपल साड़ी एंड ब्लाउज और फिर फिर ये भैया का फ़ोटोशूट वगैरह हो रहा था फिर उनका तिलक चढ़ने जा रहा था और वो हैं जिन्होंने पीच कलर की मतलब तो कोट और शेरवानी टाइप पहनी है ना है वो हैं भैया पूरे नेता जैसे लग रहे हैं एंड उनके बगल में उनके वो बड़े भाई हैं एंड ये सारी गांव की लेडीज़ बैठी हैं घर के लोग बैठे हैं और हम लोगों ने ये छोटी छोटी क्लिप्स ली एंड विराज भगा रहा था तो मैं तो बहुत ज़्यादा थक गई थी तो ये क्लिप का भी क्रेडिट अन्नू को जाता है अनु ने ही थोड़ी थोड़ी क्लिपिंग्स ले ली थी वो भी थक ही गई थी सब लोग वही टायर्ड हो गए थे ट्रैवलिंग में और ये भैया का जो है तिलक चढ़ रहा था और भैया लुक्स दे रहे थे फोन में देख के कैमरे में वो सोच रहे हैं एंड यही सारा डेकोर था पूरा और एक तरफ यहाँ पे तिलक था और घर के सामने ही खेत था वहाँ पे पूरा खाने का अरेंजमेंट हो हो रखा था एंड डेकोरेशन तो भैया ने बहुत ज़बरदस्त कराई थी मतलब गांव में यूजली हो नहीं पाता है सब चीज़ें पर उन्होंने गांव के हिसाब से तो बहुत ही अच्छी हर चीज़ की अरेंजमेंट थी खाना भी बहुत अच्छा था एंड क्राउड तो भाई पूछो मत बहुत लोग आए थे बहुत आ, ही ज़्यादा लोग आए थे एंड ये सामने मतलब घर के सामने ही वाले खेत में खाने का अरेंजमेंट यहाँ पे था तो ये सब लोग हैं मतलब आ, मम्मी की बुआ लोग हैं सब नानी ही लगेंगी नानी नाना मामा यही लगते हैं नानी के घर पे एंड काफ़ी ज़्यादा क्राउड था मतलब भैया के भी जान पहचान के बहुत सारे लोग आए थे एंड फैमिली तो हमारी बड़ी है ही है ये है मेरा एक कज़िन इसका नाम है अथर्व और ये दिशा है मेरी छोटी कज़न मैं और मैं तो बहुत थक गई थी और मैंने बहुत ही सिंपल लुक कैरी किया था हम सब यहाँ पे नाश्ता इंजॉय कर रहे हैं एंड विराज को नूडल्स खाने थे तो इसलिए वो मा नूडल्स मांग रहा था तो वो मेरी मामी हैं वो मुझे नूडल्स दे रही हैं तो ये मैं यहाँ पे सब पिक्चर्स लगा दे रही हूँ क्योंकि क्लिपिंग्स मैंने बताया था कि मैं ले नहीं पाई थी तो ये सब लोग हैं मेरी फैमिली मेम्बर्स ही हैं और ये मेरी मम्मी मौसी मामी लोग हैं सब और नानी हैं ये हम लोग हैं सारे भाई और अभी भी इसमें बहुत सारे लोग मिसिंग हैं एंड ये दोनों मेरी कज़िन्स हैं और अनू है ग्रीन में और ये है ईशान भाभी कलर का और इधर भाभी मौसी मैं, ईशान और ये सारी मैंने बस पिक्चर्स लगा देती हूँ ताकि आपको एक यू you नो know, ग्लिम्स मिल जाए तिलक का uh, क्योंकि मैंने वही बताया कि मैंने बहुत ज़्यादा क्लिपिंग्स ली ही नहीं थी मतलब तिलक फंक्शन ख़त्म होने के बाद हम लोगों ने ये ईशान का केक काटा क्योंकि वहाँ हम घर पे नहीं कट कर पाए थे एंड फिर हम लोगों ने केक काटा और हम सिर्फ हम ही लोग थे मैं अन्नू भैया भाभी एंड मम्मी और बाकी सब लोग वहाँ पे जो तिलक जहाँ हो रहा था ना वहाँ पे ऑर्केस्ट्रा लगा हुआ था तो वो सब वो इंजॉय कर रहे थे तो भाभी को अपने मायके जाना था इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे सब केक कटिंग वटिंग वाली सेरेमनी की और फिर तिलक खत्म हो गया था एंड अगर आपको मेरा ये छोटा सा व्लॉग और मेरा छोटा सा एफ़र्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा सी यू